एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिसके पास विधानसभा में पूरा बहुमत है और वो दिल्ली जैसा राज्य है, सिर्फ वो मोदी जी को बार बार हराता है, पराजित करता है, इसीलिए इन चुनाव के वक्त उन्हें गिरफ्तार कर दिया। कोई एविडेंस नहीं, कोई कागज नहीं, कोई कानून नहीं। अब लगभग 3 महीने केजरीवाल जी जेल में रहे, वो भी पूरा गैर कानूनी तरीके से। और भी मंत्री तिहार जेल में है, आप हेमंत सोरेन जेल में है। मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत से ईडी के ऐसी केसेस है, लोग जेल में है। केजरीवाल जी छूट गए, मेरी पार्टी शिवसेना उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है और खास करके दिल्ली के पीएमएलए कोर्ट को धन्यवाद देती है। कोर्ट ने कहा है कि एविडेंस कहा है, केजरीवाल जी के खिलाफ 0 एविडेंस है, फिर भी ईडी अमित शाह और मोदी जी के कहने पर ये टेररिज्म करती है, उसको आज दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट ने चपराक लगाई। मैं जेल में था, मेरे मामले में चपराक लगाई, अनिल देशमुख जी के मामले में चपराक लगाई। क्या अभी भी ईडी सीबीआई सुधर जाएंगे? इस देश की जनता ने एक मैंडेट दिया है मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ। मोदी जी और अमित शाह जी ने लोकतंत्र को जिस तरह से खिलौना बनाया, हथियार बनाया, ईडी और सीबीआई को पकड़कर ईडी बदनाम हो गई, तो क्या ईडी सुधर जाएगी, सीबीआई सुधर जाएगी, इनकम टैक्स सुधर जाएगी, जनता का ये मैंडेट आप सुधर जाएगी? मैं फिर एक बार केजरीवाल जी का अभिनंदन करूंगा मेरे पार्टी की तरफ से।